नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक विद भाई। दोस्तों, लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाली वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने URL को कस्टम करके अपने चैनल का नाम बना सकते हैं। अगर YouTube का URL बाय डिफॉल्ट जो रहता है उसको आप कस्टम कैसे कर सकते हैं, उसमें अपने चैनल का नाम दे सकते हैं या अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपने YouTube चैनल का नाम सर्च करते हैं तो आपको चैनल वो नहीं मिलता, सर्च में नहीं आता। उसका कारण ये है कि आपको अपने URL को कस्टम बनाना होता है। तो इसके लिए आज की वीडियो आप गौर से देखिए कि कैसे आप अपने चैनल का लिंक बना सकते हैं, कस्टम URL बना सकते हैं। इसके लिए आपके पास YouTube का एक क्राइटेरिया है कि आपके कम से कम 100 सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट हो जाने चाहिए, उसके बाद ही आपको ये ऑप्शन मिलता है। इससे पहले आप अपने चैनल को कस्टमाइज नहीं कर सकते। तो इसके लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको आ जाना है क्रोम पर। क्रोम पर आकर आपको यहाँ सर्च करना है YouTube। सर्च करने के बाद जैसे ही आप YouTube पर क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे YouTube के। यहाँ आकर दोस्तों आप दो तरीके से चैनल के लिंक को कस्टमाइज कर सकते हैं। पहला तो आप यहाँ क्रिएटर स्टूडियो में आकर नीचे कस्टमाइजेशन का आप यहाँ से भी जा सकते हैं, और आप यहाँ योर चैनल में जाएंगे। योर चैनल में जाने के बाद आपको यहाँ भी चैनल कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आप कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आ देखिए। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ बेसिक इन्फो पर क्लिक करना है। आपको मैं आने वाली वीडियो में लेआउट और ब्रांडिंग के बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप पहले इस वीडियो को समझ लेते हैं। तो यहाँ बेसिक इन्फो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप अपना कोई डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं अपने बारे में तो आप डाल सकते हैं। नीचे जब आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर सेट ए कस्टम URL फॉर योर चैनल, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके चैनल का नाम ये बाय डिफॉल्ट अपने आप उठा लेता है। इसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हो तो ये आपका अवेलेबल है। ये भी अवेलेबल है, और अगर आप इसको और भी यूनिक बनाना चाहते हो, इसके आगे कोई नंबर देना चाहते हो, ये अवेलेबल नहीं है। देखिए ये भी अवेलेबल नहीं है, टेक विद बॉय अवेलेबल है। तो इसको आप पब्लिश कर देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपको 100 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद ही मिलेगा। तो चलिए इसे पब्लिश कर देते हैं। यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कीजिए और ये आपका पब्लिश हो जाएगा। अब आप एक या दो दिन बाद ट्राई करना, आप अपने चैनल का नाम जब भी सर्च करोगे तो आपका चैनल सर्च में आएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप ग्रामरली प्रो और कैनवा प्रीमियम फ्री में यूज़ करना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, तो उन दोनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में और एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। आप अगर चाहें तो वो वीडियो जाकर इस प्रकार से आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक जो है कस्टम लिंक बना सकते हैं, और वो लिंक पूरा यूनिक हो जाएगा, आपका चैनल सर्च में आने लगेगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में लेकर आ रहा हूँ कि कैसे आप
YouTube चैनल आर्ट बना सकते हैं, कैसे आप YouTube बैनर लगा सकते हैं, तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पिछले वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप देख लीजिए कि कैसे आप ग्रामरली प्रो का प्रीमियम वर्जन फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।